इन द नेम ऑफ अल्लाह असल डर ऑफ क्लास अलेवंथ वेलकम टू ऑल ऑफ यूनलाइन सेशन ऑफ सोशोलॉजी क्लास डियर स्टूडेंट्स टॉपिकॉमी और वी कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमी ठीक है तो जहां तक सोशोलॉजी में इकॉनॉमी का सवाल है यह हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो है नॉट ओनली ए सोशल एनिमल एक सोसाइटी में इसको रहना है तो नॉट ओनली ए सोशन बट आल्सो एन इकोनॉमिक बीइंग बट आल्सो एन इकोनॉमिक बीइंग क्योंकि यहां पे इसको जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है कोई न कोई काम तो करना ही है एवरी वन इज इन्वॉल्व और एंगेज इन इकोनॉमिक परस्यूट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और यहां यह भी हम कह, 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 कहेंगे कि हर कोई इंसान एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है कोई एक किस्म की एक्टिविटी करता है कोई दूसरा करता है और वी कैन से दीज एक्टिविटीज और मल्टी क्या है और वी कैन से मल्टी और वी कैन से वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स यही एक्टिविटीज जिनको हम वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या मल्टी कहते हैं इसी चीज से पूरा सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है कोई मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन्वॉल्व है कोई प्रोसेसिंग के साथ इन्वाल्व है कोई फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे यह कहेंगे कि हर कोई इंसान जो है अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इंगेज है ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इसी पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम और जो बाकी जो इसमें एक्टिविटीज़ है छोटी छोटी या वेरिड इस सब सिस्टम सिस्टम और है सब सिस्टम ऑफ इकोनोमी और वी कैन से कलस्टर ऑफ एक्टिविटीज कलस्टर ऑफ एक्टिविटीज एक फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी का या आ, एक ग्रुप प्रोडक्शन के साथ एंगेज है दूसरा ग्रुप इन्वेस्टमेंट के साथ एंगेज है दूसरा ग्रुप इनोवेशन के साथ एंगेज है और एक और ग्रुप प्रोसेसिंग के साथ एंगेज है उसी तरह मैन्युफेक्चरिंग के साथ एंगेज है तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम तो आगे जाके फिर मतलब कंक्रीट जो एक्टिविटीज या स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कह सकते हैं बैंक इट ए कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी या कोई कॉर्पोरेशन बनती है जिसमें बहुत सारे बंदे काम करते हैं और इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व अगर हम बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक में कितने लाखों की तादाद में इस लोग इस बैंक के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वी कैन से द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनॉमी ठीक है तो इसमें हमने एक और जो बात पढ़नी है वो है वर्क क्या है वर्क द बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी इज वर्क ठीक है जहां तक वर्क की बात है अगर हम वर्क को अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे कि वर्क हम किस चीज को कहते हैं तो यहां पे एक ये हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी स्ट्राइविंग एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू सम पर्पस टू सम पर्पस देखिए कोई बंदा फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व है यहाँ पे इसकी एनर्जी है एनर्जी इसकी यहाँ पे क्या होती है कंज्यूम होती है एक्स ये एक एनर्जी अपनी क्यों कंज्यूम करता है क्यों इसको पता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला है क्या मिलने वाला है जब मेरी यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी तो मैं इस क्रॉप प्रोडक्शन के जरिए अपनी जो है अपनी इकोनॉमी ये मेरी इकोनॉमी है ये क्रॉप प्रोडक्शन या कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन्वॉल्व है ये कोई मैन्युफैक्चर करता है यहाँ पे इसका टाइम भी कंज्यूम होता है यहाँ पे इसकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि मुझे यहाँ से मेरी ये दिस माई इकोनॉमी माय इकोनॉमी और वी कैन से दिस माय जॉब ठीक है ये इसी तरह वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वर्क एज ए वन ऑफ मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मैनुअल और मेंटल एक्सीशन फॉर विच वेजे सैलरीज और प्रोफेशनल फीस ऑर रिसीवड ठीक है अगर हम अभी हमने बैंक की बात की तो बैंक में जो होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉ होते हैं वो काम करते हैं वहां पर उनकी जो है वर्क फोर्स जरूरत है वर्क फोर्स के बगैर बैंक, बैंक का काम नहीं चल सकता या कोई फैक्ट्री है वहां पर वर्क फोर्स चाहिए हमें वहां पे प्रोफेशनल्स भी चाहिए मल्टी फेसड लेबर हमें या मल्टी फेसड वर्को हमें पे और उस काम के बदले उनको क्या दिया जाता है फीस प्रोफेशनल फीस उनको तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इस सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम और यहाँ पे जो ये काम करने वाले हैं इनका एक खास मकसद होता है कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा वेज और सैलरी यही इनकी इकोनॉमी है रेमंड एक अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दिया है ने एन एन इनकम इनकम प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एक्टिविटी जो भी कोई काम करता है किसी जगह पे तो इसका जो मकसद होता है यहाँ पे इनकम मुझे इससे इनकम मिलती है कोई फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर शॉप ओन मतलब दुकान चलाता है तो वहां उसका क्या मकसद होता है कि मुझे यहां से क्या मिले मतलब वेजेस या सैलरी या मुझे पैसा यहां से मिलेगा और एक्टिविटी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एट समक्रीफाइस ऑफ प्लेजर और लेजर तो यहां हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो भी इंसान यहां पे है दुनिया में है नॉट ओनली ए सोशल बींग बट ऑल्सो एन इकोनॉमी बींग हर कोई ना कोई कोई न कोई काम करता है हर एक बंदा एक न एक काम करता है और यह भी है हम यहाँ कह सकते हैं कि हर कोई बंदा एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है बट दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीफेसड और वी कैन से वेरीड एंड कम्पलेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो डियर स्टूडेंट दिस वॉज समथिंग अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम थैंक यू